की विचारधारा से जुड़े लोग आपको हर महकमे में मिल जाएंगे, बस एक पल का इंतजार करते हैं और अपनी इस सोच को वो सोशल मीडिया पर उजागर करने में बिल्कुल भी बाज नहीं आते। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां पर आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग मौजूद नहीं है। इसका उदाहरण हम कर्नाटक चुनाव के दौरान देख चुके हैं, जब वज्जू भाई वाला जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कर्नाटक में क्या किया वो हमारे और आपके सामने है। इस पर ज्यादा विचार करने का कोई लाभ नहीं है। जो मुद्दा इस वक्त निकल कर के आ रहा है, जहां दिल्ली में भाईचारे की मिसाल पेश की गई, अंकित सक्सेना के पिता ने रोजे इफ्तार की पार्टी लगी, तो उस पर कुछ संगीत सोच वाले सरकारी अफसरों को बड़ी मिर्ची लग गई और उन्होंने इस पर अपनी राय देने में सेकंड नहीं लगाई। तो इसी से जुड़ा एक मामला मैं आपके सामने रखता हूं। मोहब्बत का पैगाम देते हुए इस बार अपने घर में इफ्तार आयोजन करने वाले अंकित सक्सेना के नेक दिल पिता को गाली देने वाले सिपाही अरविंद सिंह परिहार को यूपी पुलिस ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर की बाबूपुरवा कोतावली में अरविंद सिंह परिहार सिपाही के पद में तैनात थे। दरअसल फरवरी महीने में दिल्ली के अंकित सक्सेना को एक मुस्लिम युवती से प्यार करने की वजह कर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कातिल लड़की के परिवार वाले ही थे। उस समय भी संघ और कई राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, पर उनको इसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि अंकित सक्सेना के पिता ने, जो बीजेपी और आरएसएस के जुड़े हुए लोग थे, जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने एक लफ्ज में सबकी बोलती बंद कर दी और कहा कि इस पर मुझे राजनीति नहीं करनी है, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, मैं इस केस से हिंदू मुस्लिम को जोड़ते हुए नहीं देखना चाहता हूं। जिसकी मिसाल अंकित के गली वालों ने, अंकित के परिवार वालों ने गली गली जाकर के, घर घर जाकर के एक पैगाम दिया कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए कि हम एक भाईचारे की मिसाल पेश करना चाहते हैं। इसी के सिलसिले में उन्होंने कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें तमाम मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की और अंकित के पिता की इस पहल की सब जगह तारीफ हो रही है। रमजान के इस पाक महीने में अंकित के पिता ने मोहब्बत का पैगाम देते हुए सोमवार को रोजेदारों के लिए इफ्तार की दावत का एहतमाम किया था और सभी उन्हें इस कार्य की बधाई दे रहे थे और उनकी इस पहल की अखबारों और सोशल मीडिया पर सराहना की गई। एबीपी न्यूज द्वारा इस खबर पर अरविंद ने उन्हें गालियां दी और आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसके बाद किसी ने ट्विटर पर यूपी पुलिस को टैग करते हुए स्क्रीनशॉट पेश किया। यूपी पुलिस ने तुरंत इस संगीत सोच रखने वाले पुलिस अफसर को तुरंत निलंबित कर दिया और एक मिसाल पेश की कि चाहे वो सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ हो, चाहे नफरत फैलाने वाले बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो तमाम आम आदमी हो, किसी को भी नफरत फैलाने नहीं दी जाएगी।